नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसार्ट्स। बिहार में रुक रुक कर मॉनसून सक्रिय हो रहा है और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिहार में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगले 5 दिनों तक जो है मौसम ऐसे ही बना रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। वहीं आपको बताएं कि रविवार से जो है लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली है, क्योंकि बिहार में मानसून की रफ्तार जो है थम चुकी थी और मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा था कि अगले कुछ दिनों तक जो है मौसम ऐसा ही बना रहेगा, उमस भरी गर्मी सताएगी। लेकिन अचानक जो है मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम में बदलाव के साथ ही बिहार में एक बार फिर से मॉनसून जो है सक्रिय हो चुका है। आज यानी कि सोमवार के लिए जो है मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में जो है अलर्ट जारी किया है, जहां पर भारी बारिश और बिजली की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। वही बताएं कि पटना समेत 8 जिलों में जो है सोमवार सुबह से झमाझम बारिश हुई है, जिसमें पटना, सीतामढ़ी, जमुई, मोतिहारी, बक्सर, शेखपुरा, जहानाबाद और नालंदा भी शामिल है, जहां से कल रविवार की रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह में भी बारिश देखने को मिली। वहीं राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना में भी कल रात से जो है लगातार रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार के 18 जिलों में जो है बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया है, जिसमें वैशाली, सीतामढ़ी, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, किशनगंज समेत 18 जिले शामिल हैं जहां पर बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपको बताएं कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक जो है राज्य के कई जिलों में बारिश होगी, लेकिन उमस भरी गर्मी भी लोगों को सता सकती है। ऐसे में बताएं कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक जो है बिहार में मॉनसून सक्रिय रहेगा। भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट लगातार मौसम विभाग जारी कर रहा है। आज की अगर बात करें तो आज को लेकर भी बिहार के ऐसे 18 जिले हैं जहां पर बारिश और बिजली की संभावना जताई गई है। रविवार की अगर बात करें तो रविवार को पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में दिन भर उमस भरी गर्मी रहने के बाद जो है अचानक मौसम में बदलाव हुआ, जिसके बाद जो है करीब 10 बजे के बाद झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश के साथ तेज हवा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली भी चमक रही थी। मौसम में जिस तरीके से अचानक बदलाव हुआ है, उसके बाद लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग गर्मी से परेशान हो चुके थे। तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही थी, उमस भरी गर्मी भी लोगों को सता रही थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी मॉनसून जो है ट्रफ रेखा हिमालय की तलहटी से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी की ओर से एक कम दबाव का क्षेत्र भी विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई जगहों पर नमी जैसी स्थिति भी बनी हुई है। तापमान और नमी का प्रभाव बढ़ने से कुछ जगहों पर जो है वज्रपात की घटनाएं संभावित हो सकती है। हालांकि फिलहाल राज्य में कहीं भी बारिश की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, भारी बारिश की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगले 4-5 दिनों तक जो है मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून जो है सक्रिय रहेगा। बिहार में जो बारिश की कमी दर्ज की जा रही थी, अगर ऐसा ही बारिश होता रहा तो कहीं ना कहीं ये कमी जो है वो पूरी की जा सकती है। ऐसे में बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण में ज़्यादा 102.4 mm बारिश हुई है। वहीं पटना ज़िले में 26.4 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस मॉनसून सीज़न में अभी तक जो है राज्य भर में 577.5 mm बारिश हुई है। यह सामान्य बारिश के लक्ष्य 795.9 mm के मुकाबले 27% कम है। ऐसे में आपको बताएं कि अगर ऐसी ही बारिश हुई तो कहीं ना कहीं ये जो कमी है वो पूरी की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।